एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शियानहंग के कहने पर बीजिंग बताता है कि स्टार्टिंग से ही जून तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था और बाईजिंग को ही वो पसंद आया था। जब बाईजिंग को पता चला था कि जून टुआन नाम की कंपनी स्टार्ट करने वाला है और वो कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट में जाने वाली है, तो बाईजिंग जानबूझकर जून के बहुत ही ज्यादा क्लोज आई थी, जहाँ पर जून भी उसे यही दिखाता था कि उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होगा और उसके पास बहुत पैसे हैं। लेकिन धीमे धीमे बाईजिंग को पता चलने लगा कि जून के पास पैसे नहीं है, जिसकी वजह से उनके रिलेशन स्टार्टिंग से ही खराब होने लगे। उसके बाद शियानहंग बताता है कि जब जून को पता चलने लगा कि बाईजिंग उसके साथ डिवोर्स करने के लिए तैयार है, तो जून उसे दिखाने के लिए उसे महंगी महंगी चीजें देने लगा, जहाँ पे बीजिंग भी कहता है कि दोनों एक जैसे ही थे, दोनों बस एक दूसरे को प्यार का दिखावा करते थे और एक दूसरे के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते थे। तो लेकिन बाईजिंग ने तो जून के साथ एंड में बहुत ही ज्यादा खराब किया, उसने उसके सारे पैसे भी ले लिया और इवन डिवोर्स के बाद वो उसकी कंपनी भी लेना चाहती थी, और जून ये सब चीजें सहन नहीं कर पाया और इसीलिए उसने सुसाइड कर ली। जहाँ पे शेंग्याओ कहती है तो इसका मतलब ये है कि जून ने मेरी वजह से सुसाइड नहीं करी, तो शियानहंग कहता है कि तुम्हारी वजह से उसने सुसाइड नहीं करी है। अब बीजिंग जब ज्यादा शेंग्याओ से बात करने की कोशिश करता है तो शियानहंग उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। उसके जाने के बाद शेंग्याओ शियानहंग से थैंक यू कहती है उसकी इतनी सारी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से किसी इंसान ने सुसाइड कर ली है। तो शियानहंग कहता है कि तुम इतनी भी इम्पोर्टेंट नहीं हो कि तुम्हारी वजह से कोई ज्यादा सोचे। उसके बाद वो शेंग्याओ से कहता है कि ड्रिंक्स के पैसे दो, तो शेंग्याओ कहती है कि मैंने तो ड्रिंक भी नहीं करी तो पैसे मैं क्यों दूं। जहां पर शियानहंग कहता है कि तुम्हें तो पता है मेरे आवरली रेट कितने हैं और एक घंटे से मैं यहां पे तुम्हारे साथ बैठा हूं, इसीलिए तुम्हें ड्रिंक्स के पैसे भी देने पड़ेंगे और बाकी की बची हुई फीस भी देनी पड़ेगी, जिससे शेंग्याओ तो अपसेट होती है। शियानहंग फिर उसे कहता है कि मुझे घर ड्रॉप भी करना होगा। जब शेंग्याओ कार चला के लेके जा रही थी तो वो कार बहुत ही धीमे चलाती है, क्योंकि उसे डर था कि वो शियानहंग की कार को कुछ करना दे, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव कार थी और अगर कार को कुछ हो गया तो उसे बहुत ही पैसे देने पड़ेंगे, जिससे शियानहंग भी गुस्सा करता है। अब नेक्स्ट डे जब शेंग्याओ ऑफिस जाती है तो उसके सारे ही कॉलीग्स उससे चीयर अप करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि तुम्हारे लिए तो आज फैन मेल में बहुत सारे पार्सल्स आए हैं। जब शेंग्याओ पार्सल ओपन करती है तो उसमें तो सारे थ्रेटनिंग लेटर्स ही थे, साथ ही में उसे डराने की चीजें भी भेजी गई थी, जिससे तो शेंग्याओ बहुत ही ज्यादा डर जाती है। उसके कॉलीग्स कहते हैं कि इन चीजों को हम साइड में कर देंगे। शेंग्याओ ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। तभी उसे उसकी सिस्टर शियांगी का कॉल भी आता है। शेंग्याओ उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो ना, तो शेंग्याओ पूछती है कि तुम्हें भी थ्रेटनिंग लेटर्स आ रहे हैं, जिस पे शेंग्याओ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो न्यूज में तुम्हारा नाम आ रहा था तो मुझे तुम्हारी फिक्र हुई। शेंग्याओ कहती है कि मुझे कोई भी थ्रेटनिंग लेटर्स नहीं आ रहे, इसलिए तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, और ऐसा कह के फोन रख देती है। लेकिन रियल में तो शेंग्याओ को शेंग्याओ की बहुत ही ज्यादा चिंता थी। तभी शेंग्याओ को उसके एक्स हस्बैंड डेंगमिंग का कॉल आता है, जहाँ पर वो कहता है कि मेरी मदर से बात कर लो। शेंग्याओ डेंगमिन मदर से इस तरह बात करती है कि मानो दोनों अभी भी रिलेशनशिप में हो और वो उनकी डॉटर इन लॉ हो, और उनसे वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात करती है। उनसे बात करने के बाद डेंगमिन शेंग्याओ को थैंक यू कहता है, तो शेंग्याओ कहती है कि तुम अपनी मदर को कब बताओगे कि हमारा डिवोर्स हो गया है और तुमने दूसरी शादी भी कर ली है। जिस पर डेंगमिन कहता है कि मेरी मदर को तुम बहुत पसंद हो और वो अभी बहुत बीमार है और उन्हें पता चला कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, तो वो तो ये चीजें सहन ही नहीं कर पाएंगी। शेंग्याओ कहती है कि मैं ज्यादा दिन तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, और ऐसा कहकर फोन रख देती है। अगले सीन में वो जून शियानहंग के पास जाता है और उस पर गुस्सा करता है। उसे लगता है कि शियानहंग शेंग्याओ को जॉब से निकाल देगा, लेकिन शियानहंग कहता है कि मैं शेंग्याओ को जॉब से नहीं निकालूंगा, बल्कि मैं डेंगमिन को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारी कंपनी का नाम भी खराब हो रहा है, साथ ही में उसी की वजह से शेंग्याओ पर इतने सारे इल्जाम लग रहे हैं और वो इतना डिप्रेशन में जा रही है। वो जून को उसकी ऐसी बातें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा था कि वो किसी एम्प्लॉय की मदद करने के लिए तैयार था। यहाँ पे हम डेंगमिन को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उससे मिलने के लिए वो जून आता है। वो जून उससे कहता है कि जो तुमने हमारी कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश करी है, उसके लिए हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, हम तुम पर डिफेमेशन का केस करेंगे और ये केस भी हम इजीली जीत जाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि शियानहंग कभी भी कोई भी केस नहीं हारता है, और जिस तरह से तुम हमारे एम्प्लॉयज को हरास कर रहे हो वो तो बहुत ही ज्यादा खराब है। जहाँ पे डेंगमिन कहता है कि मैंने शेंग्याओ को हरास नहीं करा है, उल्टा वो तो मेरी पहले फैमिली हुआ करती थी, मैं भला उसे हरास क्यों करूंगा। वो जून कहता है क्योंकि तुमने शेंग्याओ की भी यही हालत करी थी और अब तुम मेरे एम्प्लॉयज के पास आने के बारे में बिल्कुल भी सोचोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, और ऐसा कह के वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शियानहंग अपने थ्रेटनिंग लेटर्स देख रहा था, तभी उसे अपने इनिशियल डेज याद आते हैं, जहाँ पे जब स्टार्टिंग में उसे ऐसे लेटर्स आते थे तो उसे बहुत ही बुरा लगता था। उसे ऐसा फील होता था कि वो जो काम कर रहा है वो इनफ नहीं है और लोग उसे अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट भी हो जाता था। तभी विजन हमेशा उसके साथ रहता था और उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता था।
नेक्स्ट सीन में श्यानहंग सो रही थी, तभी श्यानहंग घर आता है जिससे वो डर के उठ जाती है। श्यानहंग कहता है कि मैं ही हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद श्यानहंग श्यानहंग से पूछता है कि तुमने खाना खाया, तो वो कहती है कि ग्रोसरीज खत्म हो गई हैं, इसलिए मैं खाना नहीं बना सकती हूँ। जिससे श्यानहंग उसे ग्रोसरीज शॉपिंग ले जाता है, जहाँ पे श्यानहंग जब ग्रोसरीज खरीद रही थी तभी श्यानहंग के पास एक वुमन आके उससे लड़ने लगती है क्योंकि वो रास्ते में से नहीं हट रहा था, जिससे श्यानहंग श्यानहंग को साइड में ले जाती है। फिर श्यानहंग श्यानहंग से कहता है कि तुम्हें कोई स्नैक्स पसंद हो तो तुम ले सक, जहाँ पे श्यानहंग बहुत सारे स्नैक्स का नाम बताती है, तो श्यानहंग सारे ही स्नैक्स लेता है। उसके बाद दोनों बिलिंग करने जाते हैं जहाँ पर सभी उन्हें ही देख रहे थे। फिर श्यानहंग सारी ग्रोसरीज के पैसे भी देता है, जिससे श्यानहंग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है। जब दोनों घर पहुँचते हैं और श्यानहंग खाना बनाती है, तो श्यानहंग कहता है कि आज मुझे भूख नहीं है। जैसे श्यानहंग कंफ्यूज होकर उसके पास स्नैक्स लेके आती है और कहती है कि अगर आपको खाना नहीं खाना तो स्नैक्स खा लो, जिस पर श्यानहंग कहता है कि मेरा स्नैक्स खाने का भी मन नहीं है। श्यानहंग कहती है कि ठीक है मैं फ्रिज में रख दूंगी, तो श्यानहंग कहता है कि नहीं ये स्नैक्स मुझे पसंद नहीं है, अगर तुम्हें खाने तो खा लो वरना फेंक दो, और ऐसा कह के वहां से चला जाता है। उसके बाद श्यानहंग वो स्नैक्स खाने लगती है और उसे रोना आने लगता है दिन की सारी बातें याद करके। तभी वहाँ पे श्यानहंग आता है, जिसे देख के श्यानहंग अपने आंसू पोंछती है, तो श्यानहंग कहता है कि अगर तुम्हारा रोने का मन है तो तुम रो सकती हो, अपने इमोशंस दबाने की जरूरत नहीं है। जिससे श्यानहंग जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसके साथ जो भी हो रहा था वो इस चीज से बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। उसके बाद श्यानहंग उसके पास आके कहता है कि तुम रो मत, बहुत ही अगली लग रही हो। तो श्यानहंग और भी ज्यादा रोने लगती है और उससे कहती है कि जब कोई रो रहा हो तो तुम्हें उसे कंसोल करना चाहिए, ना कि उसे अगली कहना चाहिए। श्यानहंग कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी हैंकी दी है, इससे ज्यादा कंसोल मैं तुम्हें नहीं कर सकता हूँ। जिसके बाद श्यानहंग उसकी हैंकी रख देती है और उसे सॉरी कहती है उसकी हैंकी गंदी करने के लिए। तो श्यानहंग कहता है कि तुम्हें इसके पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अगर रोने का मन है तो तुम रो सकती हो। इसके बाद रोते रोते श्यानहंग अपने रूम में जाने लगती है, तो श्यानहंग उसे कहता है कि तुम सुंदर हो, तुम अगली नहीं हो। तो श्यानहंग कहती है कि इतना प्रिटी होने का क्या मतलब, मुझसे भी ज्यादा एक सुंदर लड़की ने मुझे बेवकूफ बना दिया, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और सब मुझे बेवकूफ समझेंगे, और ऐसा कहकर रोके वहां से चली जाती है। श्यानहंग को ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि श्यानहंग इतना ज्यादा रो रही है। उसके बाद वो अपनी टीम को कॉल करता है और कहता है कि जो भी श्यानहंग को ऑनलाइन हरास कर रहे हैं उन सब पे डिफेमेशन का केस किया जाए, और उसके बाद लेटर लिखने लगता है। यहाँ पे श्यानहंग अपने रूम में बैठ के जोर जोर से रो रही थी क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नेक्स्ट ऑफिस में सभी बात कर रहे थे कि रात को श्यानहंग ने किस तरह श्यानहंग के लिए स्टैंड लिया। तभी वहां पे श्यानहंग आती है, जहां पर वो देखती है कि उसके सारे हेटर्स उसे सॉरी कह रहे हैं, जिससे वो कंफ्यूज होती है। जहां पे उसकी टीम उसे बताती है कि कल रात को श्यानहंग ने कॉल करके कहा था कि सारे ही लोग जो तुम्हें ट्रोल कर रहे हैं उन पे डिफेमेशन का केस किया जाए, इसीलिए सब तुम्हें सॉरी कह रहे हैं। तभी वहां पे श्यानहंग आ जाता है और उसे देख के सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। श्यानहंग तो बहुत ही थैंकफुल फील करती है कि श्यानहंग उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। उसके बाद श्यानहंग अपनी ऑफिस में जाके सर्च करता है कि अगर एक लड़की अपने रूम में बैठ के रो रही हो तो क्या किया जाए, जहां पर सब उससे पूछते हैं कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो श्यानहंग कहता है कि नहीं वो मेरी एम्प्लॉई है और मैं उसका बॉस हूँ। सभी उसे अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि हमें भी ऐसा बॉस चाहिए। फिर वो उसे एडवाइस देते हैं कि तुम्हें उसका माइंड इन सब चीजों से हटाना चाहिए, इसलिए तुम्हें उसे ज्यादा से ज्यादा काम देना चाहिए ताकि वो ओवरथिंकिंग करके रो ना पाए। जिसके बाद श्यानहंग श्यानहंग को बहुत सारा काम देने लगता है और उसे छोटे मोटे काम में ही लगाए रहता है। श्यानहंग थोड़ा सा अपसेट होती है क्योंकि उसे भी लॉयर जैसे काम करने थे, लेकिन उसे फालतू के काम करने पड़ रहे थे। इवन घर में भी उसे सारा ही काम खुद ही करना पड़ रहा था, जिससे वो अपसेट होती है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस आती है तब वो देखती है कि श्यानहंग ने वहाँ पे कैमरास भी लगा दिए हैं और जो भी लेट आएगा उसकी सैलरी भी कट की जाएगी। बुजुर्ग भी ये देखता है और वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होता है और कहता है कि पता नहीं ये किस बेवकूफ ने किया है। लेकिन तभी श्यानहंग वहाँ आ जाता है और कहता है कि ये सब मेरा करा हुआ है, जिससे सभी चुपचाप जाके अपने काम में लग जाते हैं। उसके बाद श्यानहंग देखती है कि श्यानहंग ने उसके लिए आज फिर से पेपर कटिंग का ही काम रखा है, जिसके बाद वो जाके पेपर्स काटने लगती है, लेकिन अपसेट होती है कि वो कोई भी काम नहीं कर पा रही है। तभी वहां पर एक मेड आती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें अपना कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है तो तुम कर लो, मैं यहाँ पे बैठ के ये पेपर कट कर दूंगी, जिससे श्यानहंग खुश होती है और वहां से चली जाती है। तभी श्यानहंग वहां आता है और वो देखता है कि श्यानहंग पेपर कट नहीं कर रही है और वो अपने डेस्क पर भी नहीं है, जिससे वो बहुत ही अपसेट होता है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।